फौजी फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, हमारा ये सैनिक 167 बटालियन बीएसएफ मथुरा फिजिकल, जो कि 4.8 किलोमीटर रन था, जहां टाइमिंग 24 मिनट की दी गई थी, लेकिन इस जवान ने अपने जोश और हौसले के साथ उस 24 मिनट की टाइमिंग को क्लोज करते हुए 15 मिनट 19 सेकेंड में 150 आदमियों के बैच में सेकेंड पोजीशन में आया है। दौड़ने में तो ये महारत था ही, इसने साबित करके दिखाया कि ग्राउंड पे जो इसने मेहनत की है उसको कैसे भर्ती के ग्राउंड पे दिखाया जाता है। तो इस बच्चे के जोश और जुनून के लिए मैं इसको शाबाशी और आशीर्वाद देता हूँ इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए, क्योंकि अभी इसका रिटर्न और मेडिकल बैलेंस रह गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिटर्न में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके बीएसएफ में भर्ती होकर देश सेवा करेगा। तो आज हम इससे कुछ शब्द सुनना चाहेंगे, इसके लिए तालियां। तो हाँ भाई सुरजीत, बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप? सर हम ये फील बहुत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं फिजिकल देने जा रहा था तो मेरी माँ ने रोते हुए कहा था कि अब की बार फेल मत होना, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा हम लोग हैं। बोल 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 बेटा बोल। गांव से जब चले थे तो सब लोग हंसी उड़ा रहे थे। हाँ, जब मैंने फिजिकल पास किया था तो खुश थे, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास भी कर रहे थे, लेकिन गांव के लोग हमारे आस पड़ोस के उदास थे। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, देख जो मेहनत करता है और जिसको ऊपर वाले ने वो किया है, चाहे दुनिया उसका मजाक उड़ाए, वो कॉन्फिडेंस अपने जोश के साथ और वो जुनून होता है, जज्बा यहाँ से। ठीक है बच्चे, दिल से जज्बा और एकदम कभी परेशान नहीं होना। हम लोग, मैं और मेरी एकेडमी ऐसे सभी बच्चों के साथ हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या जिनको लगता है कि उनके माता पिता उनका फीस वहन नहीं कर सकते या सहयोग। तो मैं उम्मीद करूँगा ऐसे बच्चे हमसे आके मिले। हमने सेना में यही सीखा है, गरीब लाचार और ज़रूरतमंदों की मदद करना। तो ऐसे बच्चे ये देश का भविष्य हैं और यही बच्चे भर्ती होंगे, क्योंकि जिस बच्चे के घर में धन धान्य और सब कुछ मौजूद है, उस बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ऐसे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होना, रोना नहीं है, तुम फौजी बनोगे, रोना नहीं है, जोश और जुनून के साथ। ठीक है बेटा? यस सर। शाबाश, अरे सुरजीत के लिए एक बार तालियां। मैं उम्मीद करूंगा कि जब रिटर्न देके और मेडिकल देके आएगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस बच्चे को जरूर भर्ती कराए, ताकि इसके माता पिता और इसके परिवार वालों को वो खुशी मिल सके जिसके वो हकदार हैं। इस बच्चे ने बहुत सी कठिनाइयां और तकलीफें सह के इस मुकाम पे आया है, तो मैं इसके लिए हमेशा फ्यूचर के इस उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इसको आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जय हिंद जवानों।